कर दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मोहन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि राधा यहाँ से जल्द हमें निकलना होगा, क्योंकि दोस्तों दामिनी अपनी लगातार साजिशें कर रही है और दामिनी का एक नहीं बल्कि समय कई प्लान थे कि मैं किसी भी तरीका से यहाँ से नहीं जाने दूंगी मोहन को और ना ही राधा को, क्योंकि राधा यहाँ पर आई हुई है तो उसको भी यहीं ख़त्म कर देती हूँ। और ये प्लान एक नहीं बल्कि समय कई अलग तरीका से प्लान रचा है, क्योंकि खुद पता है इस समय दामिनी को कि राधा भी यहाँ पर है, क्योंकि जब राधा को पता ही है कि दामिनी इस प्लान के पीछे है, जिसके बाद में दामिनी बोलती हुई नजर आएगी कि मैं राधा और मोहन दोनों को मार दूंगी ताकि इनमें से मेरा राज पूरी तरीके से दफन हो जाए। क्योंकि दोस्तों अपने राज को दफन करने के लिए इस समय किसी भी आखिरकार साजिश में गिरने के लिए तैयार है। इतनी करेक्टर लेस, इतनी गिरी हुई औरत शायद किसी ने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इस समय सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिरकार ये वास्तव में हो क्या रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। इस चीज़ को सभी लोग भी जानते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट आते हुए नज़र आने वाले हैं, जहाँ पर खुद इस चीज़ को मोहन बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं इस समय दामिनी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। दामिनी ने जो हरकतें की हैं उन हरकतों की दामिनी को सजा मिलकर ही रहने वाली है। दामिनी को लगता था कि मेरी हरकतों को शायद कोई जानता ही नहीं है, लेकिन वो शायद इस चीज़ को भूल चुकी है कि तुम्हारी हर हरकत पर मोहन की नज़रें बहुत पहले से ही टिकी हुई हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए गाइस।